100 फोल्डर्स इन 10 सेकेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल को देख के तो आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि क्या मैजिक होने वाला है। सो जब भी हम लोग ऑफिस में काम करते हैं या इवन इन आवर पर्सनल वर्क, फाइल्स एंड फोल्डर्स का काफी बड़ा रोल रहता है। और जब हम फोल्डर्स की बात करते हैं तो वी यूज फोल्डर्स टू सेग्रीगेट द डेटा, और काफी सारे अलग अलग जगह पे फोल्डर्स का यूज होता है। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए, आइदर वी यूज मैनुअली टू क्रिएट द फोल्डर्स, या तो कुछ ऑटोमेट करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं, या कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा सॉफ्टवेयर आप खुद बना सकते हैं, यस, तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से एक सिंपल सेट एक्सेल ट्रिक को यूज करके, बिकॉज एक्सेल इज एवरीवेयर, तो एक्सेल का डायरेक्टली फोल्डर से कोई कनेक्शंस नहीं है, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सेल के फीचर्स को यूज करके यू कैन क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ फोल्डर्स इन जस्ट 10 सेकेंड्स, या मैं बोलूंगा 10 सेकेंड से भी कम टाइम में, जस्ट क्लिक पे आपके 100 फोल्डर्स क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं, बट जाने से पहले जस्ट इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट में मुझे बताइए कि अगर आपके पास ऐसा टास्क आ गया कि यू हैव टू क्रिएट 100 फोल्डर्स, तो आप उसको कैसे करेंगे, मैनुअली करेंगे या आपके पास कोई और वे आउट है जो आप कर सकते हैं। यस, अब पॉज को हटा के देखते रहिए एंड लेट अस सी दैट हाउ मैजिक कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। और सिर्फ एक्सेल ही नहीं है, एक्सेल के साथ कुछ और अमेजिंग यूज करेंगे, बिकॉज मैंने क्या कहा, सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे। लेट अस सी, और वेट मैं आपको नहीं कराऊंगा, लेट अस डायरेक्टली गो टू द सिस्टम। सो फ्रेंड्स, दिस इज एन एक्सेल फाइल, और यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, आई हैव टेकन द लिस्ट ऑफ 100 एम्प्लॉइज, 100 नेम्स है। ये एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, ये लिस्ट ऑफ कंट्रीज भी हो सकते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ डेजिग्नेशन भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट भी हो सकता है, एनीथिंग। नाउ लेट अस सी दैट हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर। बट उससे पहले, फोल्डर क्रिएट करने से पहले, एक्सेल को मैंने क्यों यूज किया है, बिकॉज एक्सेल में मुझे एक फॉर्मेट क्रिएट करना है जो मेरे फोल्डर क्रिएशन में हेल्प करेगा, एंड विच इज, लेट अस सी, मैं करूंगा MKDIR, ये आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, और MKDIR ना करके आप MD भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, MKDIR और MD। सो MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी, और उसी का शॉर्ट फॉर्म है MD, एंड देन डबल कोट्स यूज करूंगा, एंड आई विल राइट द नेम ऑफ द पर्सन जिसके नाम का फोल्डर क्रिएट होना है, जिस नाम से, तो मैं इसी नाम को ले लूंगा, परासु मोर्थी, एंड डबल कोट्स क्लोज, एंटर। अब यही फॉर्मेट, इसी का पैटर्न मुझे सबके लिए चाहिए, तो कंट्रोल ई, वाओ, कंट्रोल ई फॉर फ्लैश फिल। तो या तो आप MKDIR करके फ्लैश फिल को यूज कर सकते हैं, या तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन ड्रैग द फॉर्मूला, मतलब फाइनल आउटपुट मुझे ये चाहिए। तो फ्लैश फिल इज ऑलरेडी देयर फ्रॉम 2013 वर्जन ऑफ एक्सेल, तो आपके पास होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं, एल्स यू कैन यूज सम फॉर्मूलाज ऑल्सो, कॉन्केटिनेट या एम्परसेंट यूज करके यू कैन क्रिएट दिस। नाउ अब आता है इसको कॉपी करके कहीं और ले जाना, कहीं और मतलब लेट अस गो टू नोटपैड। सो आई विल सिलेक्ट ऑल दीज नेम्स, और मैं कर दूंगा कंट्रोल सी, और इसको कहां लेके जाना है, नोटपैड में। लेट अस गो टू नोटपैड फ्रॉम प्रोग्राम फाइल्स, या जैसे भी आप नोटपैड को ओपन करते हैं, बट द बेस्ट एंड द इजिएस्ट मेथड इज टू गो टू विंडोज आर, एक साथ प्रेस करना है, ये रन कमांड ओपन हो गया, एंड यू कैन राइट नोटपैड, और मेरा पहले से यहां पर नोटपैड लिखा हुआ है, आई जस्ट कीप एंटर। कंट्रोल वी, मैंने क्या किया है, आई जस्ट पेस्टेड द डेटा इन टू दिस नोटपैड। अब क्या करना है, अब इस नोटपैड को आपको सेव करना है उस लोकेशन पे जहां पर आप फोल्डर्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने एक लोकेशन डिसाइड करके रखा हुआ है, आई एम गोइंग टू शो यू दैट लोकेशन, वहां पर मुझे इसको सेव करना है। फर्स्ट लेट अस गो टू दैट लोकेशन। सो दिस इज द लोकेशन जहां पर मैंने डेस्कटॉप के अंदर एक वर्किंग फोल्डर लिया हुआ है, आई वॉन्टेड टू स्टोर ऑल द फोल्डर्स इन टू दिस लोकेशन। तो अब मुझे उस नोटपैड को इस लोकेशन पे सेव करना है, बट
नॉर्मल तरीके से सेव नहीं करना है, कुछ अमेजिंग तरीके से सेव करना है। लेट अस सी कैसे सेव करना है। सो आई विल गो विद द फाइल सेव एज, और जैसे मैंने सेव एज किया तो सेव एज का विंडो ओपन हो गया है, तो मैं डेस्कटॉप के अंदर वर्किंग फोल्डर में मैं चला गया। नाउ यू कैन यूज एनी नेम हियर, लेट अस गो विद क्रिएट फोल्डर्स, बट उसके बाद आपको लिखना है डॉट बी ए टी। बी ए टी स्टैंड्स फॉर बैच कमांड या बैच स्क्रिप्टिंग या बैच फाइल। और ये होता क्या है, बैच को आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डॉस कमांड्स, और जो मैंने अभी आपके सामने लिखा एम के डी आई आर एंड देन विद इन डबल कोट्स फोल्डर का नाम, सो दैट्स द डॉस कमांड। बट डॉस कमांड सिंगल 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 अगर मुझे चलाना है एक साथ कंबाइन करके, देन वी हैव टू क्रिएट ए बैच फाइल। लेट अस सी, क्लिक ऑन सेव। नाउ दिस इज क्रिएट फोल्डर, और ये दिख रहा है विंडोज बैच फाइल, एंड दिस इज ऑनली 2.21 KB। नाउ लेट अस सी कि कैसे वो 100 फोल्डर्स बन जाएगा विद इन 10 seconds, और 10 seconds से भी कम टाइम में। लेट अस सी एंड लेट अस सी द मैजिक। होल्ड योर ब्रेथ, और मैं करता हूं डबल क्लिक। वाओ, देखा आपने, ऑलरेडी दिस इज क्रिएटिंग 100 फोल्डर्स। दिस इज शोइंग 101 आइटम्स, व्हाई, बिकॉज ये एक है। वाओ, सो किस तरीके से अमेजिंग वे में विद द यूज ऑफ एक्सेल और नोटपैड और ये डॉस सारा कुछ इंटीग्रेट करके वी हैव क्रिएटेड द फोल्डर्स। नाउ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये डबल क्लिक पे ओपन हो जा रहा है, इट्स क्रिएटिंग द फोल्डर। अगर आपको इसको एडिट करना है तो राइट क्लिक, यू हैव टू गो विद द एडिट। तो एडिट करके यू कैन चेंज एवरीथिंग, जो भी आपको करना है, एंड देन सेव। अब इसको कंट्रोल एस करके आप सेव कर सकते हो। फर्स्ट टाइम यू हैव टू क्रिएट ए बैच फाइल एंड देन यू कैन डू दैट। लेट अस सी, डबल क्लिक एक बार और। तो फिर से एक बार डबल क्लिक करेंगे, सो डबल क्लिक करने पे और कुछ नहीं होगा, इट्स क्रिएटिंग द फोल्डर। और ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट फोल्डर बनाया है, पहले वाले फोल्डर अगर है तो उसको रिप्लेस नहीं करेगा, वैसे ही रहेगा। अगर नहीं है देन इट विल क्रिएट द फोल्डर्स। वाओ, सो फ्रेंड्स कैसा लगा ये ट्यूटोरियल? आई एम श्योर ये आपके लिए कुछ नया, कुछ डिफरेंट एंड रेयरली नोन ट्रिक होगा। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू सेव लॉट्स ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट। सो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, और इस ट्यूटोरियल को, इस कंसेप्ट को आप कहां पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। सो बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, एक और नए लर्निंग के साथ एंड एक और नए मैजिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे। दिस इज विवेकानंद सिन्हा साइनिंग ऑफ।